हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं अपने मोबाइल फ़ोन को थोड़ी देर पहले यूज़ कर रहा था, ठीक है। तो मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन जो है वो स्टक हो गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। देखिए, मैं यहाँ पर जो कोई भी ऑप्शन या फिर कोई भी बटन यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो बटन काम नहीं कर रहा है, और स्क्रीन को मूव करता हूँ चारों ओर तो तब भी ये स्क्रीन काम नहीं कर रही है। और देखिए, पावर बटन को मैं दबाता हूँ तो पावर बटन दबाने पर स्क्रीन ऑफ भी नहीं हो रही है, और देखिए वॉल्यूम बटन दबाता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है ना, अगर आपकी फोन की स्क्रीन स्टक हो जाती है तो इस तरीके की प्रॉब्लम आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन में कैसे इसे फिक्स करेंगे, कैसे यानी कि सॉल्व करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक ध्यान से जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैं अपने फोन को यूज कर रहा था और एक वीडियो मैं यहाँ पे चालू करके देख रहा था। वीडियो चल भी रही थी तो वीडियो बीच में चलते चलते इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है, कांट प्ले वीडियो, और स्क्रीन जो है स्टक हो गई है, ठीक है। स्क्रीन बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, ऑप्शन भी कोई भी वगैरह काम नहीं कर रहे हैं, ये देखिए। तो आपको करना क्या है, जो मोबाइल फोन का पावर बटन है ना, इसे आपको उंगली से दबा के रखना है थोड़ी देर, ठीक है। थोड़ी देर आपको दबा के रखना है पावर बटन को, जब तक कि आपकी स्क्रीन के ऊपर पावर ऑफ यानी कि स्विच ऑफ का बटन नहीं आ जाता है, ठीक है, या फिर आपकी फोन की स्क्रीन पूरी तरीके से ऑफ नहीं हो जाती है, या फिर आपका मोबाइल फोन रीस्टार्ट नहीं हो जाता है, तब तक आपको पावर बटन दबा के रखना है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, जैसे कि 1-2 मिनट या 3 मिनट का भी मैक्सिमम टाइम लग जाता है, पावर बटन को प्रेस करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है ना, ये देखिए मेरा फोन जो है रीस्टार्ट हो गया अपने आप ही। ये जो है रीस्टार्ट हो रहा है या पता नहीं स्विच ऑफ हो रहा है ये पता नहीं है, लेकिन अभी देखते हैं, ये कुछ तो यहाँ पे प्रोसेस आगे बढ़ा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मेरा फोन ऑटोमेटिक रीस्टार्ट, ऑटोमेटिक तो नहीं हुआ है, रीस्टार्ट हो गया, मैंने पावर बटन को दबा के रखा था, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैं अपना फोन का ना स्क्रीन लॉक एंटर कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रीन लॉक मांग रहा था, मैं स्क्रीन लॉक एंटर कर देता हूँ। तो देखिए, मैंने जो है स्क्रीन लॉक एंटर कर दिया, अब यहाँ पर हमारा फोन जो है ओपन हो चुका है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन का जो सिस्टम होता है ना, वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, जिसके कारण भी मोबाइल फोन की स्क्रीन जो है वो स्टक हो जाती है, बीच में स्क्रीन अटक जाती है, जिसके कारण मोबाइल फोन की स्क्रीन अपने आप ऑफ नहीं होती है। काफ़ी देर तक आपकी स्क्रीन चालू रहेगी, ठीक है ना, जब तक कि आपके फ़ोन की बैटरी ख़त्म नहीं हो जाती है, तब तक आपकी फ़ोन की स्क्रीन चालू रहती है, जब आपकी फ़ोन की स्क्रीन स्टक हो जाती है, अटक जाती है, ठीक है। तो दोस्तों, अब जब आपका फ़ोन जो है ऑन हो जाएगा ना, रीस्टार्ट हो जाए या फिर स्विच ऑफ हो गए, स्विच ऑन कर लीजिए, जब आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा तो आपको करना क्या है, आपके एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में ना ये गूगल फाइल का ऐप होता है, अगर ये गूगल फाइल का ऐप आपके फ़ोन में नहीं है तो इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो इस गूगल फाइल के ऐप को ओपन करना है, इसमें आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन है, इसे सिलेक्ट करना है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको ये सिस्टम ऐप लिखा हुआ है ना, इसे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब आपका जो है ना, यहाँ पर एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे की साइड है ना, एक पेज ओपन होगा। तो दोस्तों, मैं वीडियो को बिना पॉज करे, बिना कट करे आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए, इस पेज में आपको नीचे आना है, और यहाँ पर आपको है ना ए से स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट होगा, तो आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपका जो है ना अगला ये पेज आता है, इसमें आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए, आपको ये क्लियर कैच का ऑप्शन मिलता है, ये वाला क्लियर कैच, इसे टैप करना है। आपके पास दूसरा कोई एंड्रॉइड फोन है तो नीचे ऊपर क्लियर कैच दिखाई दे जाएगा, इसे टैप करना है। तो इससे क्या होगा, कैच के सामने वाला डेटा है ना, ये जीरो हो जाएगा, 0B इस तरीके से। दोस्तों, कई बार हमारे फोन का एंड्रॉइड सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, जिसके कारण भी मोबाइल फोन की स्क्रीन स्टक हो जाती है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है, आपको इसका क्लियर कैच कर देना है इस तरीके से। दोस्तों, अब यहां पर आपको अगला काम यह करना है कि मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू रखना है, और आपके मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, सॉफ्टवेयर है सिस्टम, आपके फोन में लिखा होता है सिस्टम अपडेट या सॉफ्टवेयर अपडेट, या फिर आपके अबाउट फोन में जो है ना, सबसे ऊपर भी लिखा हुआ होता है यहां पे अबाउट फोन। तो आपको अपने मोबाइल फोन का, कहने का मतलब यह है कि मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, अगर फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है तो, ठीक है, इंटरनेट चालू करके तब देखना है आपको सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं है, ठीक है। तो मेरे फोन का सॉफ्टवेयर पहले से ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है करना क्या है, देखिए एक सबसे मेन बात ये होती है स्क्रीन स्टक होने की, कि हमारे मोबाइल फोन में कोई ऐसा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ज़रूर होता है जिसके कारण भी फ़ोन की स्क्रीन स्टक हो जाती है, जैसे कि
प्ले स्टोर से अगर आपने कोई हाई वर्जन का एप्लीकेशन डाउनलोड किया है अपने फ़ोन में, ठीक है, जैसे कि 1 GB, 1 GB, 2 GB, 3 GB का जो भी है, तो उसे आपको पहले तो अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। उसकी वजह से भी कई बार जो है स्क्रीन स्टक होती है हमारे फ़ोन की, ठीक है ना, और वो काम नहीं करती है बिल्कुल, तो उसे अनइंस्टॉल कर देना जो भी हाई वर्जन का एप्लीकेशन है। और देखिए यहाँ पर जो है ना आपके ना मोबाइल फ़ोन में अगर कोई ऐसा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिसको यूज़ करने पर आपके फ़ोन की स्क्रीन ठीक से काम नहीं करती है, आपको पता लग जाएगा कि आपके फ़ोन में कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जो यूज़ करने पर फ़ोन की स्क्रीन ठीक से काम नहीं करती है, फ़ोन फ़ोन की स्क्रीन ब्लिंक करती है, तो उस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन से हटा देना है, ठीक है ना। तो दोस्तों इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, फ़ोन की स्क्रीन स्टक हो जाती है, बिल्कुल भी कोई भी बटन काम नहीं करता है और फ़ोन की स्क्रीन ऑफ भी नहीं होती है, तो इस तरीके से कभी भी आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आती है यानी कि स्क्रीन स्टक हो जाती है, तो इस प्रॉब्लम को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और मेरे बताए हुए उन सभी बातों का भी आपको ध्यान रखना है, जिसके बाद आपके फ़ोन को जो है ना स्टक, जो स्क्रीन स्टक हो जाती है, वो प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी तरीके आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड मोबाइल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे जो है शेयर कर सकते हैं, यानी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, या फिर उसके ऊपर जो कोई मैं वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है एंड्रॉयड मोबाइल से रिलेटेड तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।